आज के समय घूमना फिरना किसे पसंद नहीं है। बचपन में जब समर वेकेशन होता था तो सभी बच्चे अपने नानी के घर जरूर से जाते थे। वहीं बड़े होने के बाद जिसको जितना फ्री टाइम मिलता है वो उस टाइम में कोई ना कोई टूर प्लान कर लेता है। पर क्या आपको पता है कि आपके घूमने फिरने से कितने देशों की इकोनॉमी चलती है? आज के समय टूरिज्म इंडस्ट्री किसी भी देश की ग्रोथ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पिछले 20 सालों में टूरिज्म इंडस्ट्री में बहुत फास्ट ग्रोथ देखने को मिली है, जिसके चलते आज के समय ग्लोबल टूरिज्म इंडस्ट्री की मार्केट साइज $10 ट्रिलियन की हो गई है। जी हाँ, $10 ट्रिलियन। आज के समय सबसे ज्यादा इंटरनेशनल टूरिस्ट फ्रांस, स्पेन, USA, इटली, टर्की जैसे यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज में जाते हैं, जिसके चलते ये देश टूरिज्म से बहुत सारा पैसा कमाते हैं। आज के समय कई देशों की इकोनॉमी तो टूरिज्म इंडस्ट्री पे ही निर्भर होती है, और ये चीज हमें पैंडेमिक के दौरान समझ में आई। जब ग्लोबल लॉकडाउन हुआ था उससे टूरिज्म इंडस्ट्री बंद हो गई थी, जिसके चलते कई देशों की इकोनॉमी कोलैप्स हो गई थी। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में भी यही देखने को मिला था। तो आज के समय टूरिज्म इंडस्ट्री देश की अर्थव्यवस्था में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा टूरिज्म इंडस्ट्री सिर्फ देश की इकोनॉमी ग्रोथ में हेल्प नहीं करती है, देश के ग्लोबल इन्फ्लुएंस को वर्ल्ड वाइड फैलाने में भी बहुत हेल्प करती है। आज के समय टूरिज्म किसी भी देश की सॉफ्ट पावर को बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। जैसे कि आज के समय K-pop, कोरियन ड्रामा बहुत फेमस हो रहे हैं, जिसके चलते साउथ कोरिया का टूरिज्म इंक्रीज हो रहा है। इसके अलावा टूरिज्म से देश की प्रॉपर इमेज क्रिएट होती है कि वो देश कल्चर वाइज कितना डायनामिक है या मॉन्यूमेंट वाइज कितना अच्छा है। इसके अलावा आज के समय अगर कोई फेमस व्लॉगर किसी कंट्री में विजिट करता है और उसकी ओवरऑल जर्नी बहुत अच्छी होती है तो वो सोशल मीडिया में उस देश को प्रमोट करता है, जिसके चलते उस देश का टूरिज्म भी बढ़ता है और देश की इकॉनमी को भी फायदा पहुंचता है। भारत के टूरिज्म की बात करें तो भारत एक ऐसा देश है जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है। भारत की विविधता और प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए दुनिया भर के लोग भारत आते हैं। भारत के हर कोने में सुंदरता छुपी हुई है। भारत के पास डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स हैं, फूड है, फेस्टिवल है, स्पिरिचुअल साइट्स हैं, हेरिटेज है, लैंडस्केप है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, सब कुछ है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत का हर राज्य किसी न किसी चीज के लिए फेमस है, और इन्हीं चीजों को देखने के लिए हर साल करोड़ों विदेशी टूरिस्ट भारत आते हैं, जिससे भारत का टूरिज्म सेक्टर बढ़ता है, साथ में भारत की अर्थव्यवस्था को भी फायदा पहुंचता है। और पिछले कुछ सालों में ये देखने को मिला है कि भारत का टूरिज्म सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। भारत के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए भारत सरकार भी बहुत मेहनत कर रही है। योगा, आयुर्वेदा, इंडियन कल्चर को हर इंटरनेशनल फोरम में प्रमोट कर रही है। जैसे कि इस बार के G20 का मेन थीम वासुदेव कुटुंबकम है। इसके अलावा इंडिया को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन हब बनाने के लिए भारत सरकार टूरिज्म सेक्टर में इन्वेस्ट भी बहुत कर रही है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टूरिज्म सेक्टर के बारे में, टूरिज्म के GDP में कंट्रीब्यूशन के बारे में, और भारत सरकार देश के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए क्या क्या स्टेप ले रही है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ, तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूं, तो अगर आपको इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा। देखो जैसे जैसे भारत में लोगों की इनकम बढ़ रही है, बहुत से लोग भारत के साथ साथ विदेश भी घूमने जा रहे हैं, पर अक्सर हमें ये देखने को मिला है कि ट्रैवल करते वक्त काफी बार कई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जैसे कि लगेज लॉस, सिकनेस, पासपोर्ट लॉस। तो इन प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस आपकी मदद करता है, और कई देशों में तो अब ट्रैवल करने के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी भी है। ट्रैवल इंश्योरेंस आपको ट्रैवल ट्रिप्स के दौरान कवरेज प्रोवाइड करता है, ताकि आपको ट्रैवल करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, और आपको सबसे अच्छा ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी बाजार पे मिलेगा। पॉलिसी बाजार भारत की नंबर 1 ऑनलाइन इंश्योरेंस कंपनी है। पॉलिसी बाजार से आप सिर्फ ₹50 पर डे का ट्रैवल इंश्योरेंस ले सकते हैं, और इसमें 200 कंट्रीज कवर्ड होंगी। साथ में आपको मेडिकल एक्सपेंस, लॉस ऑफ बैगेज, पासपोर्ट लॉस, ट्रिप कैंसिलेशन का बेनिफिट भी मिलेगा। पॉलिसी बाजार से ट्रैवल इंश्योरेंस लेने से आपको सबसे बड़ा फायदा यह मिलता है कि आप पॉलिसी बाजार में डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज की पॉलिसीज को कंपेयर कर सकते हैं, और साथ में आपको पॉलिसी पे डिस्काउंट भी मिलेगा। इसके अलावा 24/7 क्लेम असिस्टेंस की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो किसी एजेंट से पॉलिसी लेने से अच्छा है कि पॉलिसी बाजार से डिस्काउंट रेट पे आप पॉलिसी लें। और अब तो पॉलिसी बाजार के रिप्रेजेंटेटिव आपके घर पे आके आपको प्लान चूज करने में, डॉक्यूमेंटेशन करने में और क्लेम में भी आपकी मदद करेंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप पॉलिसी बाजार से ट्रैवल इंश्योरेंस लेके अपनी ट्रैवलिंग को सिक्योर करना मत भूलना। भारत के टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करें तो इंडिया की GDP में टूरिज्म इंडस्ट्री का शेयर 7% है और एम्प्लॉयमेंट में 8% है। भारत के टूरिज्म इंडस्ट्री में 40 मिलियन लोग एम्प्लॉयड हैं। साल 2014 के बाद से हमें यह देखने को मिला कि भारत का टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। जहां 2014 में भारत की GDP में टूरिज्म इंडस्ट्री का कॉन्ट्रीब्यूशन $185 बिलियन था, 2018 में यह बढ़कर $247 बिलियन तक पहुंच गया था। जहां 2014 में भारत में 7.6 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट आए थे, वहीं 2019 में
लगभग 11 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट आए थे, पर पेंडेमिक के चलते 2020 से 2022 तक ग्लोबल टूरिज्म इंडस्ट्री इफेक्ट हुई थी, जिसके चलते भारत का टूरिज्म सेक्टर भी इफेक्ट हुआ था। पर 2022 से भारत की टूरिज्म इंडस्ट्री वापस से रिवाइव होना शुरू हो गई है। 2022 में भारत में 6.2 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट आए थे, जो 2019 के मुकाबले तो कम थे, पर 2023 में भारत में फॉरेन टूरिस्ट में 106% का राइज देखने को मिला है। उम्मीद लगाई जा रही है कि 2023 में भारत में 13 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट आएंगे, क्योंकि इस साल भारत G20 को होस्ट कर रहा है, जिससे भारत का टूरिज्म सेक्टर बहुत बूस्ट होगा। इसके अलावा पेंडेमिक के चलते टूरिज्म इंडस्ट्री का कॉन्ट्रीब्यूशन भारत की GDP में कम हुआ था, वो अब वापस से बढ़ने लगा है। इसके अलावा भारत की रैंकिंग भी ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटेटिव इंडेक्स में बेटर हो जाएगी। इस समय भारत की रैंक ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स 2021 के अनुसार 140 कंट्रीज में से 54 है। पेंडेमिक से पहले इंडिया की रैंक 34 थी, पर इस समय भारत की जो 54 वाली रैंक है वो 2021 के अनुसार पे है। 2023 में जब रैंकिंग वापस से अपडेट होगी तो भारत की रैंक भी कम हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इस साल भारत G20 को होस्ट कर रहा है। इसके अलावा देखा जाए तो टूरिज्म सेक्टर से इंडिया के फॉरेन रिजर्व को भी बहुत फायदा पहुंचता है। भारत के पास फॉरेन करेंसी आती है, जिससे भारत का फॉरेन रिजर्व बढ़ता है। जहां 1997 में भारत ने टूरिज्म से $2.8 बिलियन का फॉरेन रिजर्व अर्न किया था, वहीं 2017 में यह बढ़कर $27 बिलियन पहुंच गया था, और उम्मीद लगाई जा रही है 2023 में ये $30 बिलियन को क्रॉस कर जाएगा। इसके अलावा भारत के टूरिज्म इंडस्ट्री को जितना फायदा फॉरेन टूरिस्ट से होता है, उससे कहीं ज्यादा फायदा डोमेस्टिक टूरिस्ट यानी कि उन इंडियन टूरिस्ट से होता है जो भारत में ही घूमते हैं। 2022 में डोमेस्टिक टूरिस्ट ने इंडिया में 12.3 लाख करोड़ रुपीस खर्च किए थे, वही इंटरनेशनल टूरिस्ट ने सिर्फ 1.6 लाख करोड़ रुपीस खर्च किए थे। इस साल 2023 में उम्मीद लगाई जा रही है कि डोमेस्टिक टूरिस्ट इंडिया में 12.6 लाख करोड़ रुपीस खर्च करेंगे और इंटरनेशनल टूरिस्ट 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे, और नेक्स्ट 10 ईयर्स में इंडिया में डोमेस्टिक टूरिस्ट 28.7 लाख करोड़ रुपीस खर्च करेंगे, वहीं इंटरनेशनल टूरिस्ट 4.1 लाख करोड़ रुपीस खर्च करेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि डोमेस्टिक टूरिस्ट इतना पैसा कैसे खर्च करेंगे, तो देखो भारत की पर कैपिटा हर साल बढ़ रही है, भारत में मिडिल क्लास बढ़ रहा है, लोगों की इनकम बढ़ रही है, जिससे लोगों की स्पेंडिंग पावर बढ़ रही है, और इससे भारत में डोमेस्टिक टूरिस्ट के नंबर भी बढ़ रहे हैं, जो अपनी ट्रैवलिंग के दौरान अच्छा खासा पैसा खर्च करते हैं। इसके अलावा फ्यूचर में भारत के टूरिज्म इंडस्ट्री की ग्रोथ में टेम्पल टूरिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत के टूरिज्म में 60% शेयर रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल टूरिज्म का है। भारत में बड़ी मात्रा में लोग रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल टूर करते हैं। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म 2022 के अनुसार 14.33 करोड़ इंडियन टूरिस्ट और 64 लाख फॉरेन टूरिस्ट भारत में रिलीजियस प्लेसेस में घूमने आए थे, जिससे रिलीजियस टूरिज्म से 2022 में 1.34 लाख करोड़ रुपीस की अर्निंग हुई थी। भारत में स्पिरिचुअल टूरिज्म बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 2023 में अनुमान लगाया गया है कि 70% इंडियन ट्रेवलर्स स्पिरिचुअल टूर करेंगे। भारत में टेम्पल टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए भारत सरकार बहुत काम कर रही है, जैसे कि भारत के कुछ स्टेट जैसे कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, ओडिशा, गुजरात, पंजाब, झारखंड, मध्य प्रदेश में बहुत सारे पुराने और फेमस रिलीजियस टेम्पल हैं, तो इन जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर कर रही है। जैसे कि पहले वाराणसी में पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए सिर्फ साल भर में 80 लाख लोग आते थे, पर जब से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है साल भर में 7 करोड़ लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं। इसी तरह पहले केदारनाथ में हर साल सिर्फ 4 से 5 लाख लोग ही दर्शन करने के लिए जाते थे, पर जब से केदार घाटी की रिकंस्ट्रक्शन हुई है तब से अब 1 साल में 15 लाख डिवोटीज केदारनाथ जाते हैं। इसी तरह अयोध्या में राम मंदिर के साथ साथ 40 टूरिस्ट स्पॉट को आइडेंटिफाई किया गया है, जिससे अयोध्या का टूरिज्म बढ़ सके। इसके अलावा स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने प्रसाद स्कीम 2015 में लॉन्च की थी। इस स्कीम के तहत भारत सरकार 25 स्टेट की 41 रिलीजियस साइट को डेवलप कर रही है। इसके अलावा भारत सरकार बुद्धिस्ट टूरिज्म को बूस्ट देने के लिए कई इनिशिएटिव ले रही है, जैसे कि भारत सरकार बुद्धा सर्किट बना रही है, जिसमें वो बुद्धा के सभी साइट को आपस में कनेक्ट करेगी, ताकि आसियान कंट्रीज जापान कोरिया से ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट भारत में आ सके। टेम्पल टूरिज्म के अलावा फ्यूचर में मेडिकल टूरिज्म भी भारत के टूरिज्म इंडस्ट्री की ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। मेडिकल टूरिज्म भारत का एक ग्रोइंग सेक्टर है। भारत में मेडिकल ट्रीटमेंट वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले काफी सस्ता होता है, जिसके चलते विदेशों से बहुत से लोग भारत में ट्रीटमेंट करवाने आते हैं। हर साल भारत में 2 मिलियन पेशेंट डिफरेंट रीजन से इलाज करवाने के लिए आते हैं, और इससे भारत का फॉरेन रिजर्व को भी $4 बिलियन का फायदा होता है। मेडिकल टूरिज्म का मार्केट साइज $7.4 बिलियन का है, पर जिस तरीके से भारत में हाई क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस बढ़ रही है और साथ में गवर्नमेंट का सपोर्ट भी बढ़ रहा है, फ्यूचर में भारत का मेडिकल टूरिज्म भी तेजी से ग्रो करने वाला है।
2023 से 2029 के दौरान मेडिकल टूरिज्म एवरेज 19.2% से ग्रो करने वाला है और 2029 तक इंडिया का मेडिकल टूरिज्म की मार्केट साइज $25 बिलियन के अराउंड हो जाएगी और इंडिया मेडिकल टूरिज्म का लार्जेस्ट डेस्टिनेशन बन जाएगा। देखो, अगर भारत को अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ाना है तो उसके लिए भारत को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग बनाना होगा, जिससे टूरिस्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने में आसानी हो सके। इसके अलावा मॉन्यूमेंट्स और ग्लोबल हेरिटेज साइट पे साफ सफाई रखनी होगी, जिससे इंटरनेशनल टूरिस्ट के सामने इंडिया की इमेज अच्छी जाएगी। इसके अलावा टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने इनक्रेडिबल इंडिया और अतिथि देवो भव जैसी इनिशिएटिव पे भी फोकस कर रही है। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट ने 2014 में ई वीजा फैसिलिटी भी लॉन्च की थी। इंडिया ने 180 देशों को यह सर्विस दी है कि अगर कोई भारत आना चाहता है तो वो वीजा के लिए ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकता है। ई वीजा के चलते इंडिया में टूरिज्म भी इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा भारत सरकार टूरिज्म इंडस्ट्री को बूस्ट देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे 20 लाख करोड़ रुपए भी खर्च कर रही है। फ्यूचर की बात करें तो जिस स्पीड से भारत डेवलप हो रहा है, भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग हो रहा है, भारत में लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि 2028 तक टूरिज्म सेक्टर का कंट्रीब्यूशन भारत के जीडीपी में $500 बिलियन से ज्यादा का हो जाएगा और 53 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगी और 2030 तक भारत टूरिज्म से $56 बिलियन का फॉरेन रिजर्व अर्न करेगा और फॉरेन टूरिस्ट का नंबर 30.5 मिलियन को क्रॉस कर जाएगा। देखो, अगर भारत को $10 ट्रिलियन की इकॉनमी बनना है तो उसके लिए टूरिज्म सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है, क्योंकि टूरिज्म सेक्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, फॉरेन रिजर्व को बढ़ाता है। इसके अलावा भारत में लोग सिर्फ घूमने के लिए नहीं आते हैं, हेल्थ के लिए भी आते हैं, तो उससे मेडिकल टूरिज्म भी बढ़ता है, जिससे ओवरऑल इंडियन इकॉनमी को ही फायदा पहुंचता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, आप पॉलिसी बाजार से ट्रेवल इंश्योरेंस लेना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।